आपको बता दें कि होलिका दहन में गोबर के गहने चढ़ाने की परंपरा सदियों से मनाई जा रही है। इसके पीछे मान्यता है कि होलिका दहन में गोबर के गहनों के इस्तेमाल से कुंडली में अकाल मृत्यु या कोई भी बीमारी से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। और गाय को सनातन धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए होलिका दहन में गाय के गोबर से बने बड़कुल्ले जलाए जाते हैं। होली के त्योहार के 2 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में कई बच्चे और लड़कियां गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उनमें बीज से छेद करके धूप में सुखाती है और इसकी माला को होलिका की अग्नि में चढ़ाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। होलिका दहन में गोबर के गहनों से जो धुआं उठता है, माना जाता है कि उससे नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और परिवार में सुख शांति आती है। होली आते ही शहर में बड़कुलों और गोबर से बने इन आइटम का जो यहाँ देखें आप निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, हम जानना चाहेंगे इस प्रकार की आइटम बनाने वाले ये परिवारों से कि भैया ये क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है। सुविधा के लिए काम आता है और अधिकतर महिलाओं को इसके अंदर नारियल है, स्टार बनाए जाते हैं और भी पान भी बनाया जाता है, सुपारी भी बनाई जाती है, इसकी माल और चांद भी बनाया जाता है, इसकी माला बना के हम थोड़ा बहुत जो भी आइटम है में बना के उसको उपयोग भी आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि होली के समय पर जितनी भी जलाने की वस्तुएं रहती है उनका उपयोग किया जाता है। जो पुरानी लकड़ियां भी मोहल्लों में वापरी जाती है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में गोबर से बने उपलों का और होली का श्रृंगार करने के लिए उनसे ही कुछ आइटम बनाई जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि सूर्य चांद इनकी सबकी मालाएँ बनाई जाती है और ये होली जलाने के काम में आती है। ग्रामीण परिवेश में तो यह हर घर में खुद ही बच्चे बना लेते हैं, लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ पर ना तो गोबर मिलता है और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है। ऐसे में ये इन परिवारों ने ये व्यवस्था की है। ये पिछले कई वर्षों से आप बना रहे हैं तो आपके परिवार में सभी बनाते हैं? मेरी शादी बना। अच्छा, वो भी पिछले कई वर्षों से अवसर पर ये जो बनाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? कितने समय से आप लोग बना रहे हैं काम? हमें तो करीबन 20-25 साल हो गए शादी के बाद। दिखते भी हैं? दिखते भी हैं। आम जनता इसको ले जाती है? सब ले जाते हैं। सब ले जाते हैं। बाकी ये कंडे ज्यादा कम में नहीं आते, ये आते हैं। अच्छा, ये माला चढ़ाई इसमें सब चीज आती ना, पान की पाँच सितारा नारियल चंद्रमा पाँच ये माला भी बन जाती है। ये माला होली का पे चढ़ा देते हैं, होली का पूजन के काम में। होलिका के श्रृंगार के लिए माला का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर पान पर और अन्य प्रकार की ये डिजाइन वाला गोबर का उपयोग किया जाता है जो सुखाए जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यह होलिका के दहन के अवसर पर पूजा के काम में आता है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज राजीव की।